ऐसा लग रहा है उस पहाड़ में से बादल निकल रहे, एकदम वॉल्केनो जैसा लग रहा है। निकल गए हैं बोल्डर्स बीच पेंगुइन कॉलोनी से और अभी हम जा रहे हैं केप ऑफ गुड होप। इट इज द मोस्ट क्या सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका है ना, केप ऑफ गुड होप। मुझे तो ये ड्राइव बहुत अच्छी लग रही है, सीनिक ड्राइव बढ़िया लग रहा है। माउंटेन और नीचे पानी है, नीचे थोड़े से घर वर भी हैं लोगों के, हो सकते हैं एयरबीएनबीज वगैरह। बाप रे बहुत ही डेंजरस है यार ये वाला रास्ता। हम एंटर कर चुके हैं केप ऑफ गुड होप एंड यहाँ पे शायद पेमेंट करना पड़ेगा, टिकट लेनी पड़ेगी, ये तो मुझे पता ही नहीं था बट ठीक है। नेशनल पार्क एंटर करते से ऑस्ट्रिच दिख गया, वाओ क्यूट, बाय ऑस्ट्रिच। और ट्रून जाने के पहले ही ऑस्ट्रिच दिख गया, आते वक्त देख लेंगे टाइडल पूल्स। नहीं मतलब मेरे को नहीं देखना, नहीं मेरे को देखना है टाइडल पूल्स। ओए ये देखो ऑस्ट्रिच, ओह माय गॉड व्हाट इज दिस, कर रही है कीड़ा खा रही है। अरे वाह मस्त है ना, उसकी एक दोस्त पीछे थी एक आगे, मतलब वो आगे उसकी दोस्त पीछे। ओके तो ये है केप ऑफ गुड होप, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका। वेव्स बहुत बड़ी बड़ी है, हाँ वेव्स बहुत बड़ी बड़ी है। ओ एक और ऑस्ट्रिच, ये ओ एक और है, दो दो है। वी हैव रीच्ड केप ऑफ गुड होप और वेव्स बहुत ही हार्श है, माय गॉड। एंड सारे यहाँ पे फोटो खिंचा रहे हैं, ऐसे केप ऑफ गुड होप लिखा हुआ है इसके पीछे, फोटो खिंचा रहे हैं। और ये वेव्स यहाँ पे इतनी क्रैश करती हुई, बड़ी बड़ी वेव्स, बस देखते रहो, बहुत हार्श वेव्स हैं बहुत ज़्यादा। फोटो शूट हो चुका है और यहाँ पे बस यही है, फोटो खिंचाओ, सदर्न मोस्ट पॉइंट देखो और निकल लो। चलते हैं रेस्टोरेंट में, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। सबसे फनी चीज़ यहाँ पे इंडियन खाना मिल रहा है, चिकपी करी विद बासमती राइस, सांबल्स एंड पापड़म, पोपड़म। चलो एंड द व्यू इज गॉर्जियस। चलो बाहर बैठे हैं। कुछ चिड़िया लोग ना किसी का खाना चुरा के ले गए थे, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं हमारा भी खाना तो नहीं चुरा के ले जाएंगे, बट शायद ठीक है बैठ सकते हैं, एंड व्यू तो काफ़ी मस्त है यार। ये पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं ना यहाँ से, बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर। खाना आ चुका है, दिस इज़ द नॉन वेजिटेरियन करी एंड ये है वेज प्लेटर। तो हम यहाँ से जा रहे हैं खा के, बट ये देखो चिड़िया लोग आ गए सब हमारा खाना खाने, बचा हुआ। ओह माय गॉड, हाय राम, उसको कितनी भूख लग रही है देखो, वो सैलड खा रही है वो। तो क्या खा रही है तुम्हारी प्लेट में, क्या था वो? हमस, अच्छा वाह, बैंगन हमस सब खा लेगी वो। चलो शर्ट लगाते कि दिखेगा कि नहीं, पॉस्चर्स दिखेगा कि नहीं। मैं कह रही हूँ कि दिख सकता है मैं कह रही हूँ नहीं दिखेगा क्योंकि पहले अपन एक देख चुके हैं। दिख सकता, हाँ दिख सकता है, दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है। शर्ट इसमें लग नहीं, दिखेगा या नहीं दिखेगा, दिखेगा पर नहीं भी दिख सकता है। पर चलो ठीक है, तुमने लगाई, तुमने लगाई है कि नहीं दिखेगा, तो मैं बोलती हूँ नहीं नहीं दिखेगा। बीवियों की जबान तो काटी देनी चाहिए। अब उसका टाइम हो गया ना सोने का, सन ढलने वाला है, अब वो इधर उधर हो गया होगा, उसके दोस्त मिल गए होंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बफल्स बे। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि पानी यहाँ से, ओशन का पानी यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है, तो इसको एक लाइक एक वो पॉइंट बोलते हैं, अरे वो बोलना भी क्या करिए, टाइडल पूल, हाँ टाइडल पूल बोलते हैं ये पे लिखा हुआ है, स्विमिंग एट ओन रिस्क। चलो अब चलते हैं अपने होटल की तरफ। क्या बढ़िया सनसेट हो रहा है, अफ्रीका का पूरा ये स्लम एरिया दिख रहा है यहाँ से। इवन वहाँ पे लोग पता है कचरा भी जला रहे थे। The next day. सुबह हो गई है और हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, और रूम की ये हालत है, आके हम पूरी पैकिंग वैकिंग करेंगे। बट ठंडा है अभी लाइक सुबह, ये पीछे ना पार्किंग का एरिया है, तो अभी यहाँ सुबह 8 डिग्रीज हो रहा है,
यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ब्रेकफास्ट है, पर मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा। यहाँ का ये थोड़ा बहुत डेकोर है। ओ वाओ, यहाँ से कितना सुंदर दिख रहा है बाहर का ओशन। अभी जाके दिखाती हूँ। ऐसे ही लग रहा है कि सिर्फ अपन ही है ब्रेकफास्ट में। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड एंड यू? गुड। वी विल सिट दैट साइड। ये व्यू तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ से। वाओ, पूरा ओशन दिख रहा है। ये रात को नहीं दिख रहा था ऐसा, और यहाँ नीचे तो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इन्होंने स्टार्टर में भेजा है ये थोड़ी सी स्मूदी है, इसमें थोड़ा सा ग्वावा का टेस्ट आ रहा है। ये है योगर्ट, ये ऑरेंज नहीं, ये ग्रेप फ्रूट एक्चुअली, और ये पॉरेज, और मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। सो हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, एंड ऑमलेट एंड क्रोइसन। सो वी आर लीविंग, और हम जा रहे हैं अब अपने वेल वॉचिंग टूर में। ब्रेकफास्ट भी कर लिया है इस रूम में, अच्छा लगा, यहाँ पे लोग भी अच्छे थे। और बस एक ही प्रॉब्लम थी, बस ये जो बाथरूम का गेट है ये खुला हुआ था, तो यहाँ पे पूरा पानी आ जाता है। एंड यहाँ कोई गेट भी नहीं, इनको गेट तो रखना चाहिए था कम से कम। और वैसे यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, ये रूम भी बहुत मस्त लगा, और इससे हीटर भी हो रहा था एंड एसी भी चल रहा था। बाय रूम। हम अपनी कार ले जा रहे हैं क्योंकि ऊबर तो यहाँ पे चलती नहीं है सपोजिटली। गेट खोलो, गेट।